गाइस, वेलकम टू ज्योति के व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई विश आप सब लोग भी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो गाइस, आज मैं कोई व्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि है एसिडिटी का प्रॉब्लम और गैस का प्रॉब्लम। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम लोग इससे टाइम पे हैं जहाँ पे हर एक की वजह से हर एक घर में हर एक इंसान को एसिडिटी का इश्यू हो गया है, और हमारे साथ साथ बच्चों को भी होने लगा है, बड़ों को भी होने लगा है। कि कुछ भी खाइए, कोई भी सब्जी, आप नॉर्मल फ्रेश चीजें, बाहर का खाना खाने के बाद तो जनरल है कि हो ही जाती है एसिडिटी इशू, लेकिन आप घर का खाना खाते हैं तब भी आपको कोई भी एसिडिटी का और गैस का प्रॉब्लम आ जाता है। आप थोड़ा सा कुछ खाते हैं, आपको लगता है कि यहीं पे कुछ अड़ा हुआ है, बहुत भारी भारी हो रहा है। तो उसके लिए गाइस, मैं आप लोगों से एक रेमेडी शेयर करने वाली हूं आज, जो कि मेरी मॉम ने मेरे साथ की थी और मुझे बहुत फायदा मिला। उसके बाद मैंने अपने बहुत से दोस्तों के साथ शेयर की, उनको भी बहुत फायदा मिला, तो मुझे लगा मैं आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो गाइज, इसको बनाने के लिए हमें ये कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और आप देखिए मैंने ये कैसे बनाई है। तो गाइज, ये है वो सात चीजें जो हमें गैस का पाउडर बनाने के लिए चाहिए, एसिडिटी की दवाई, जिसमें है सौंफ, छोटी पीपल, अजवाइन, जीरा और काली हड़, और ये साथ में है सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे हम कहते हैं, और ये है काला नमक। और आपको ध्यान रखना है, एक नमक को छोड़कर जितनी भी ये छह चीजें हैं इनको सेम क्वांटिटी में लेना है। जैसे कि मैंने सब छह चीजें जो हैं 50-50 ग्राम्स ली हैं, 50 ग्राम, और मेरे लिए इतना इनफ है। और जब खत्म हो जाएगी दवाई तो हम दोबारा बना सकते हैं। तो पहले आप 50-50 ग्राम ये छह चीजों को लेकर इसमें मिक्सर का ग्लास लीजिए और उसमें हम पीस लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सौंफ। ये हम इसमें 50 ग्राम सौंफ डालेंगे, 50 ग्राम हम इसमें जीरा डालेंगे, इसमें हम 50 ग्राम अजवाइन डालेंगे, और फिर आप इसमें छोटी पीपल, और ये 50 ग्राम आप इसमें हड़ डालेंगे। ये सब चीजों को आपको एक साथ पीस लेना है। और चलिए गाइस, अब हम इसको पीसते हैं। तो गाइस, इसको हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे, और ध्यान रखिए एकदम से सारी चीजें मिक्सी में ब्लेंड नहीं होगी, तो आप थोड़ा थोड़ा सामान लेकर मिक्सी में ब्लेंड करिए, और उसके बाद इसको एक छन्नी में डाल के छान लीजिए, जिससे कि ये थोड़ा सा फाइन पाउडर हो जाएगा, आपको खाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसको घर में बहुत अच्छे से खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत टेस्टी भी लगता है। और जो देखिए थोड़ा सा दरदरा रह गया, इसको आप दोबारा से पेस्ट बना सकते हैं। तो देखा गाइस, हम लोगों की डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों से ही ये चूर्ण बनकर तैयार हो जाएगा, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। आप मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अब आपको क्या करना है, इसको, इस पाउडर को एक जार में आप भर के रख सकते हैं, और आपको 1/4 टीस्पून लेना है, और ऐसे ही डायरेक्ट खा के, और ऊपर से एक ग्लास पानी पीने लगे। नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं, चाहे तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, और उसके 10 या 15 मिनट बाद ही आपको फर्क नजर आ जाएगा। और अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को देना चाहते हैं, तो 1/4 से थोड़ा सा कम आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। तो मेरे घर में तो बच्चों को मैं चुटकी से ही दे देती हूँ, और उनको बहुत आराम। आप मेरे कहने पे एक बार इसको जरूर ट्राई करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको फायदा हुआ या नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको फायदा हुआ तो अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर सबके साथ जरूर शेयर करना, किसी को भी फायदा होगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।